हेलो फ्रेंड्स, आज मैं गुड़गांव में हूँ और मैं इस नर्सरी में आई हुई हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इतनी बड़ी नर्सरी है और बहुत ही ब्यूटीफुल नर्सरी है। बहुत सारे पौधों का कलेक्शन है और अगर आपको भी मेरी तरह पौधे पसंद हैं तो ये जगह आपके लिए है। आप यहाँ पे आके फूले नहीं समाओगे और आप चाहोगे कि मतलब मैं कौन सा पौधा छोड़ूँ और कौन सा पौधा उठाऊँ। तो आइए मैं आपको एक बार इस नर्सरी का टूर कराती हूँ। देखते हैं क्या पौधे हैं, किस तरह के पौधे हैं, इनको किस तरह से रख रखाव करना होता है और किस तरह से हम इनको अपने घर में लंबे समय तक रख सकते हैं, अपने घर को सुंदर बना सकते हैं। तो आइए पहले एक नर्सरी का टूर करते हैं। कम अलॉन्ग विथ मी।
इसको चेमीडोरा पाम बोलते हैं। ये ना थोड़ा सा प्रॉपर इंडोर रखने में ना सहमत रहता है, बट इसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आपने अगर ज़्यादा पानी दे दिया तो इसके रूट्स गलना स्टार्ट हो जाते हैं, और अगर कम दिया है तो भी इसको प्रॉब्लम आ जाती है। अब जैसे अभी मई जून की गर्मियों में ना एक्चुअली प्लांटों को रखना बहुत ही मुश्किल काम होता है। उस समय अगर आपने मेंटेन कर लिया तो आप समझिए हमेशा के लिए आप मेंटेन कर सकते हैं इनको। तो इसको ना हमें सबसे पहले तो एक चीज़ बता दूँ फ्री में, जो कोई भी नहीं बताता आजकल, वो ये है कि आप नर्सरी से आप कोई सा भी प्लांट खरीदते हैं, वो सबसे पहले ना आप दूसरे प्लांट में चेंज करवाइए। ये वाला प्लांट जैसे है, अब ये अभी 5 इंची में डाल रखा है हमने, इसको ना आप डायरेक्ट 6 इंची में डालिए। हाँ, उससे क्या होता है, पौधे को एक्चुअली थोड़ी सी सांस मिलती है, रूट्स वगैरह उसके छिड़ेंगे उस समय। तो अब जैसे इसको हम अगर निकालते हैं तो मिट्टी ज़्यादा मिलेगी, नई मिट्टी मिलेगी, नई खाद, नया माहौल में जाएगा वो, तो उसे एक मतलब जीने की चाहत बढ़ जाती है। लेकिन जनरली लोग बोलते हैं कि आप पौधे को अगर नर्सरी से घर लेके आओ तो उसको छेड़ना नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही रहने दो। आपके सबसे आजकल के जो एक्चुअली छोटे छोटे गार्डन निकल रहे हैं ना, गार्डनर जो होते हैं, इसने कैंची पकड़ ली, खुरपी पकड़ ली, मतलब नर्सरी में 2 महीने काम किया, वो ये काम करने के लिए चल दिया। तो ये लोग ना लोगों को लूटते हैं और कुछ नहीं। तो वो इस सबसे अच्छी चीज़ है, गार्डनर नहीं भी रख रहे हैं ना, बस इसके मेंटेनेंस का देख रही है, और ना आपके सपोज आसपास जो भी नर्सरी वाले हों या गार्डनर हों उनसे थोड़ी सी हेल्प ले लो, कोई भी मना नहीं करता आजकल। तो उस चीज़ के लिए है। अब अगर हम आपको इसमें से चेंज करते हैं ना ये, तो और ज़्यादा ग्रो होएगा ये। इसलिए अभी हम इसको 1-1.5 महीने बाद हम खुद चेंज कर देंगे इसमें से। हाँ, तो ये ग्रो हो जाएगा, सुंदर लगेगा उस वजह से। तो ये जो आप बोल रहे हो टिप, आपने ये सारे पौधों के लिए जो भी हम पौधा नया खरीदे? हाँ हाँ बिल्कुल, एक साइज बड़े पौधे बिल्कुल बिल्कुल, जबकि बोलते हैं जितना छोटा पौधा है उतना छोटा गमला। वो देना एक बार, ये मनी प्लांट दे छोटा वाला। अब आप ये देखिए इसमें जगह है कहीं भी जो मतलब ये फैल सके, कहीं भी नहीं है ना। अगर आप इसको इसी में ही रखेंगे तो ये कहाँ से जिंदा रहेगा। अगर हम इसको इससे बड़े गमले में डालेंगे तो स्पेस मिलेगा, जीने का सहारा मिलेगा, तो उस तरीके से है।